फरमाते मैंने कहा अल्लाह की मजदूरी करे, जोर से असर तक नफल पड़े गरम रेत पे, और जब असर हुई ना तो मैंने अपने रुमाल में ना थोड़ी सी रेत बांध ली। घर की दीवारें छोटी छोटी थी, मैंने कहा बीवी ने देखा ना खाली हाथ आया है तो अंदर से शोर करेगी, हम साये भी सुनेंगे, तो चलो जब देखेगी ना रुमाल में कुछ है हौसला करेगी, जब अंदर जाऊंगा तो समझा लूंगा। आप मुस्कुरा रहे हैं ना हल्का हल्का, इसका मतलब है इन बातों में काफी सदाकत है। कहते मैंने वो कहा कि चलो दूर से देखेगी तो घर जाके समझा लूंगा। आप फरमाते पहले मेरी बीवी दरवाजे पे बैठी रहती थी, बच्चे बैठे रहते थे, मुंतजिर होते थे कि कुछ लेके आए, घर में फाका होता। आज मैं गया तो शोर ही कोई नहीं, कोई शह नजर ना आई, वो रेत से भरा हुआ मेरा पल्लू मैंने दरवाजे के साथ रखा, अंदर चला गया। बीवी को आवाज दी, कहाँ हो? कहने लगी मुंह हाथ धो लो, मैं रोटी लेके आई। तो हाथ धो गई, रोटी किधर से आई? इस घर में तो फाके थे, खाना किधर से आया? कहते रोटी लाई, सलाद भी लाई, दूध भी लाई, उस जमाने में जो नेमते थी फल भी लाई, सारा आ गया। मैंने घूर के देखा, मैंने कहा किधर से आया ये सारा कुछ, कहाँ है बच्चे? कहने लगी रोटी खा के बाहर निकल गए। मेरे दिल में ख्याल आया मेरी बीबी का किरदार तो चांद से ज्यादा उजला है, तो ये सारा कुछ कैसे आया? मैंने कहा ये कहां से आया सारा कुछ? तो कहती है मेरी तरफ देख के कहने लगी पता नहीं आज किस करीम की मजदूरी करने चले गए थे, पता नहीं किस करीम की मजदूरी पे चले गए थे, जोर हुई है तो उसने अनाज की बोरियां भेजी है, चावल भेजे हैं, फल भेजे हैं, इतना कुछ भेजा है कि मेरे घर में रखने को जगह ही कोई नहीं। ये कहते कहते उठी और कहने लगी पहले ही बड़ा आया था, अब और क्या लाए हो? आप फरमाते मैं सकते में था, उसने जाके मेरा रुमाल जो खोला, मैं रेत लाया था, रब करीम ने हीरे बना दिए। आप फरमाते कहने लगी किस करीम की मजदूरी पे गए थे? फरमाते मैं उठा और कच्ची जमीन पे सर सजदे में रखा। मैंने कहा मालिक मैं सारी जिंदगी दुनिया राजी करता रहा, लोगों के दरवाजों पे खड़ा रहा, ताल्लुकात बनाकर थोड़ी सी रोजी के लिए जद्दोजहद करता रहा, धुतकारा गया, सताया गया, मौला मैं तो तेरे दरवाजे पे आ जाया हूँ, पूरी दिहाड़ी भी नहीं लगाई, जोर से सर ड्यूटी की है,